हम सब ये तो जानते ही हैं प्राइमरी स्टेबिलिटी हमारे ट्रीटमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हम प्राइमरी स्टेबिलिटी फ्रॉम डे वन से ही इंक्रीज करना चाहते हैं ताकि हम पेशेंट को इमीडिएटली टीत डिलीवर कर सकें हाय मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा इस वीडियो को देखने के लिए यह जरूरी है कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑशियो इंटीग्रेशन होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेबिलिटी क्या चीज है अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो आप हमारी पुरानी वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्राइमरी स्टेबिलिटी तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है पहली बोन सेकंड ऑस्टियोटोमी एंड थर्ड इम्प्लांट डिज़ाइन सो पहले बोन से जुड़े कारणों को देख लेते हैं इम्प्लांट प्लेस करने के लिए हम डेंस गुड वॉल्यूम ऑफ बोन चाहते हैं पर हर केस में ये पॉसिबल नहीं है सो so, हमारा फर्स्ट फैक्टर है बोन डेंसिटी अलग अलग एरिया में डिफरेंट बोन मिलती हैं जैसे एंटीरियर मैंडिबल में डी वन और पोस्टीरियर मैग्जिला में डी फोर पर डी वन बोन में इम्प्लान सबसे ज़्यादा स्टेबल है और डी फोर में लीस्ट स्टेबल है सो so, हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि डी फोर जो बोन है वो डी थ्री या डी टू में तब्दील हो जाए बोन डेंसिटी की हम बात काफ़ी डिटेल के अंदर हमारी पुरानी वीडियो के अंदर कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नेक्स्ट फैक्टर है बोन वॉल्यूम अगर हमारे पास गुड बोन वॉल्यूम होगा तो हम वाइडर एंड लोंगर इम्प्लान्ट प्लेस कर सकते हैं ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए बोन टू इम्प्लान्ट कॉन्टैक्ट भी ज़्यादा हो जाए और इम्प्लान्ट की स्टेबिलिटी बढ़ जाए अगर हमारे पास बोन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है और आप बोन ऑगमेंटेशन का प्रोसीजर इम्प्लान्ट सर्जरी के वक्त ही करते हैं तो इम्प्लान्ट में प्राइमरी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं आ पाएगी और आपको सेकेंडरी स्टेबिलिटी का वेट करना चाहिए लोडिंग के लिए सेकंड फैक्टर है ओस्टियोटोमी इम्प्लांट साइट प्रिपरेशन टेक्निक इस प्रोसेस में स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम तीन चीज़ें कर सकते हैं फर्स्ट है ऑस्टियोडेंसिफिकेशन इस प्रोसेस में डी या डी बोन के ट्राइबिकले जो दूर दूर होते हैं उन्हें पैक करके डी बोन में बना देते हैं इस प्रोसेस के लिए आप डेंसा बर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑस्टियोटोम आते हैं जिनको यूज़ करके बोन को कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है और इम्प्लांट कंपनी इस काम के लिए रिज एक्सपेंशन ड्रिल भी बनाती हैं सेकंड चीज है आप बायो कॉर्टिकल एंकरेज ले सकते हैं जैसे निजल फ्लोर से या एंटीरियर वॉल ऑफ साइनस से जैसा कि आप जानते हैं कॉर्टिकल बोन सबसे ज़्यादा डेंस होती है तो इम्प्लांट को काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है थर्ड चीज़ जो आप कर सकते हो इम्प्लांट को टिल्ट करके लॉन्ग इम्प्लांट प्लेस कर सकते हो पर ऐसा काम सिर्फ हम फुल माउथ रिहेबलीटेशन वर्क में ही कर सकते हैं अगर आप सिंगल इम्प्लांट साइट के अंदर ऐसा करेंगे तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इम्प्लांट डिज़ाइन इसका मतलब है इम्प्लांट के थ्रेड्स का क्या डिज़ाइन है इम्प्लांट में कितना टेपर है इम्प्लांट के थ्रेड्स में डिस्टेंस कितना है पहले बात करते हैं इम्प्लांट थ्रेड्स की थ्रेड शेप की थ्रेड पिच की और थ्रेड डेप्थ की पहले बात करते हैं इम्प्लांट्स थ्रेड की ये तो हम जानते ही हैं इम्प्लांट थ्रेड इम्प्लांट सर्वेस एरिया को बढ़ाते हैं और बोन टू इम्प्लांट कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है जिसके कारण स्ट्रेस ज़्यादा एरिया में डिसिपेट होता है एंड बोन इंगेज करके ये ज़्यादा प्राइमरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है थ्रेड डिजाइन में तीन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हो जैसे थ्रेड शेप थ्रेड पिच और थ्रेड डेप्थ थ्रेड पिच का मतलब है वन एम एम इम्प्लांट लेंथ में कितने थ्रेड हैं जितने ज़्यादा थ्रेड उतना ज़्यादा सरफेस एरिया थ्रेड डेप्थ मेजर एंड माइनर डायमीटर के डिस्टेंस को बोलते हैं जितने ज़्यादा डीप उतना ज़्यादा सरफेस एरिया एंड लास्ट है थ्रेड शेप ये शेप स्क्वेयर भी हो सकती है और वी शेप भी हो सकती है और या इम्प्लांट में रिवर्स थ्रेड भी हो सकते हैं वी शेप थ्रेड की शेयर एफिशंसी टेन टाइम्स होती है स्क्वेयर थ्रेड के मुकाबले सो so, अगर D3 या D4 फोर बोन है तो वी शेप थ्रेड को चूज कर सकते हैं ताकि डीप शार्प थ्रेड बोन को इंगेज कर लें और अगर D1 वन एंड डी टू बोन है और आप वी शेप थ्रेड के इम्प्लान डालोगे तो बोन में फ्रैक्चर डेवलप हो जाएंगे और स्टेबिलिटी को हेम्पर करेंगे सो so, D1 वन एंड डी टू टाइप बोन के अंदर हमें स्क्वेयर थ्रेड ही चूज़ करने चाहिए नेक्स्ट है टेपर ये देखा गया है कि सिलेंड्रिकल इम्प्लांट के मुकाबले टेपर्ड इम्प्लांट ज़्यादा स्टेबल होते हैं पर टेपर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट है अपाइकल डिज़ाइन ऑफ इम्प्लांट। अगर अपाइकल पोर्शन राउंड होगा तो रोटेशनल फोर्स को रजिस्ट नहीं कर पाएगा सो इसलिए इम्प्लान के एंड में फ्लैट सरफेस होना चाहिए या ग्रूव्स होने चाहिए या कोई होल होना चाहिए इन्हीं सब चीज़ों को मॉडिफाई करके आप प्राइमरी स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि इमीडिएट या अर्ली लोडिंग करी जा सके अगर आप अपनी इम्प्लांट स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपनी प्रैक्टिस के अंदर इम्प्लांटोलॉजी को इंक्लूड करना चाहते हैं तो आप जी डी एस डेंटल अकेडमी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम सेकेंडरी स्टेबिलिटी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ताकि हम इमीडिएट लोडिंग कर सकें